श्री कृष्ण का वो पुत्र जो यदुवंश के विनाश का मुख्य कारण था। शक्तिशाली इतना कि अकेले ही भीष्म समेत पूरे कौरवों से भिड़ गया और निडर इतना कि उसे परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि का भी डर नहीं था। दोस्तों, कृष्ण और जामवंती के पुत्र शाम्ब ने द्वापर युग में ऐसे कारनामे किए जिसके बारे में बहुत कम सुनने या जानने को मिलता है। सब यह बात तो जानते ही होंगे कि बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन शाम्ब के कारण बलराम जी को कौरवों के ऊपर हथियार उठाना पड़ा था। बलराम इतने क्रोध में आ गए थे कि उन्होंने अपने विकराल हल से हस्तिनापुर में तबाही मचा दी थी। तो आखिर क्यों उठाया था बलराम ने कौरवों के विरुद्ध हथियार? आखिर कितना शक्तिशाली था श्री कृष्ण पुत्र शाम्ब? कैसे इसने यादवों और कौरवों के बीच में फूट डाली और कैसे बना शाम्ब यादवों के विनाश का कारण? आइए जानते हैं। वीडियो देखने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अनेकों शादियां की थी और उनकी अनेकों पत्नियां थी, लेकिन उन सभी पत्नियों में 8 पत्नियों को प्रमुख माना जाता है, जिन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है, जिनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा का नाम प्रमुख है। इन 8 पत्नियों से श्री कृष्ण को 80 पुत्र हुए। शाम्ब श्री कृष्ण और जामवंती का पुत्र था जो शिवजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। शाम बचपन से बड़े चंचल प्रवृत्ति का बालक था। उसका बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी में बड़ा मन लगता था। इस प्रकार शाम्ब एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार हुआ और बड़े होकर उसने अच्छे अच्छे योद्धाओं को हराया। शाम्ब एक वीर योद्धा था, लेकिन उसके बुरे आचरण की वजह से श्री कृष्ण समेत द्वारका के सभी श्रेष्ठ लोग शाम्ब से दुखी रहते थे। एक बार शाम्ब विहार हेतु हस्तिनापुर गया हुआ था। वहां शाम्ब की नजर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पर पड़ी और वो लक्ष्मणा से मन ही मन प्रेम करने लगा। हस्तिनापुर से वापस आने के बाद भी वो मात्र लक्ष्मणा के बारे में ही सोचता रहता था। तभी उसके मन में एक दुर्विचार आया और उसने लक्ष्मणा के हरण के विषय में सोचा। जब श्री कृष्ण ने उसे ऐसा करने से रोका, तब उसने कृष्ण को उल्टा जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने भी तो माता रुक्मणी से हरण कर विवाह किया था। दोस्तों, शाम ने किसी की भी ना सुनी और उसने लक्ष्मणा का हरण कर लिया। जब यह खबर दुर्योधन को लगी कि उसकी पुत्री का हरण कृष्ण के बेटे ने कर लिया है, तो वो गुस्से में बौखला उठा। दुर्योधन ने शाम को मारने के लिए कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा भेजे, लेकिन वे सभी शाम से हार गए। शाम ने सभी योद्धाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया। यह सुन दुर्योधन और क्रोधित हो उठा और उसने शाम से निपटने के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को भेजा। कुरुवंश की स्त्री का हरण कर शाम ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, अतः इसे अपना अपमान मान भीष्म ने शाम से घनघोर युद्ध किया और अंत में शाम हार गया। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अपमान के बदले में और अपने क्रोध की शांति हेतु दुर्योधन ने शाम्ब को एक कठोर कारावास में डाल दिया। जब यह सूचना बलराम जी को लगी कि उनके भतीजे का कुरुवंश ने अपमान कर बंदी बना लिया है, तब वे अति क्रोधित हो उठे। वे विशाल युद्ध घोष के साथ एक हाथी के समान गर्जना करते हुए हस्तिनापुर पर टूट पड़े। उन्होंने अपने विशाल हल से हस्तिनापुर में तबाही मचा दी। यह देखकर श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया। श्री कृष्ण ने बलराम के क्रोध को शांत करवाया और उन्हें समझाया कि इसमें गलती शाम्ब की थी। उसी ने इनकी पुत्री का हरण किया था और हर पुत्री अपने पिता की लाज होती है। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से बलराम का क्रोध शांत हुआ और कुरुओं ने शाम्ब को कारागार से मुक्त कर दिया। लेकिन शाम्ब अभी भी लक्ष्मणा को पसंद करता था और उसने इस बारे में सबको बताया। इसके बाद सभी ने लक्ष्मणा से शाम्ब की शादी करवा दी और शाम्ब लक्ष्मणा के साथ द्वारका आ गया। एक बार परम क्रोधी और बात बात पे श्राप देने के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा द्वारका आए हुए थे। सभी लोग डरकर ऋषि के अवभगत में लगे हुए थे।
लेकिन श्याम कुछ और ही विचार कर रहा था। श्याम को शक था कि ये ऋषि सच में परम ज्ञानी है भी कि नहीं। और फिर श्याम ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। श्याम ने एक सुंदर गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने साथियों के साथ दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गया। श्याम के साथियों ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, इस गर्भवती स्त्री को देखकर बताइए कि इसकी आने वाली संतान कैसी होगी। जब ऋषि दुर्वासा ने स्त्री रूप धारण किए श्याम को देखा तो वे उनकी सारी चाल समझ गए। ऋषि दुर्वासा ने यह श्राप दिया कि श्याम ने जिस मूसल को अपने पेट में बांधकर गर्भवती होने का मजाक किया है, सही में वो एक दिन ऐसे ही मूसल को जन्म देगा और उसी मूसल से पूरे यादव वंश का विनाश होगा। एक दिन श्याम ने सही में गर्भ धारण किया और उसने एक मूसल को जन्म दिया। सभी यादवों ने उस मूसल के टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए ताकि ऋषि का श्राप कभी सत्य ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ साल बाद द्वारका में महामारी फैल गई। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को द्वारका छोड़ देने का आदेश दिया। यादव द्वारका छोड़कर बाहर चले गए। वहीं कृतवर्मा और सात्यकी के दो यादव समूहों में भयानक संग्राम छिड़ गया और सभी आपसी लड़ाई में मारे गए। बचे हुए यादव उस मूसल से मारे गए। बाद में बलराम अंतर्ध्यान हुए और श्री कृष्ण ने भी तीर लगने की वजह से धरती का त्याग किया। बाद में अर्जुन बचे हुए यादवों को द्वारका से हस्तिनापुर लेकर आए। इस प्रकार श्री कृष्ण का पुत्र श्याम यादवों के विनाश का कारण बना। दोस्तों, श्याम में असीम बल था लेकिन उसकी बुद्धिहीनता ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण और अन्य यादव पहले से ही गांधारी के श्राप के बोझ तले दबे हुए थे। ऊपर से श्याम की इस हरकत ने उस श्राप रूपी अग्नि में घी का काम किया। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी ग्रंथों में वर्णित घटनाओं के आधार पर दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें। आप महाभारत या रामायण से जुड़े कौन से तथ्य जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।